अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फन सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है प्रेशर वेज़ल्स तो हम प्रेशर वेजल्स के बारे में बात करेंगे और फिर इनकी दर्जाबंदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम तारीफ़ में देखते हैं कि प्रेशर वेज़ल किसे कहते हैं तो क्या है तारीफ प्रेशर वेज़ल एक ऐसे बंद बर्तन को कहते हैं जो किसी फ्लूड को दबाव के ज़रिए सर महफूज करे और इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके ठीक है मतलब फलोड यहाँ फ्लड से क्या मुराद होगी फुलड से मुराद यहाँ गैस भी हो सकती है और माया यानी लिक्विड भी हो सकता है तो अब कहने का मतलब क्या है कि ये बंद बर्तन है जो कि हाई प्रेशर या जो ऐसा लिक्विड जो कि दबाव के, के ज़रिए असर एक कंटेनर के अंदर बर्तन के अंदर बंद होगा और हम उसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल भी कर सकते हैं जैसे अगर आपको मैं मिसाल दूँ तो लिखी हुई है इधर ऑयल टैंकर हमारे जो गैस सिलेंडर हैं और बॉयलर वग़ैरह जो हैं तो ये प्रेशर वेजल की क्या हैं इग्ज़ैम्पल हैं अब हम बात करते हैं कि प्रेशर वेज़ल की दर्जा बंदी हम दो तरह से दर्जा बंदी करते हैं पहले पेमाइश के लिहाज से जो प्रेशर वेज़ल की हम इकसम करते हैं और सरों की, तो सरो की बनावट के लिहाज से तो दर्जा बंदी में हम लिखेंगे कि पेमाइश के लिहाज से और सरों की बनावट के लिहाज से तो अगर सवाल ये आता है कि पेमाइश के लिहाज से प्रेशर वेजल्स की कितनी इकसाम है तो फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास दो इसकी इकसाम हैं पहला है पतला और दूसरा है मोटा इंग्लिश में पतले को बोलेंगे थिन और मोटे को बोलेंगे थिक तो अब डिस्कस करते हैं कि प्रेशर वेजल्स में जो पतला प्रेशर वेजल है उसकी क्या तारीफ है वो है अगर प्रेशर वेजल्स की दीवार की मोटाई दीवार की मोटाई यानी कि जो जिस तरह ऑयल टैंकर या जो भी हमारा बंद बर्तन होगा उसकी दीवार की जो मोटाई होगी उसकी बात कर रहे हैं और इसके कतर जो इसका डायमीटर होगा जो भी हमारा टैंक है ये जो भी बर्तन है जितना भी उसका कतर होगा क्योंकि वो सिलेंड्रिकल शेल होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई कतर होगा तो हम क्या कह रहे हैं कि दीवारों की मोटाई और इसके कुतर की नस्बत कितनी हो एक दस से कम या क्या हो बराबर हो तो इस प्रेशर वेजल को हम पतला प्रेशर वेज़ल कहते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगे टी और डी की नस्बत लेंगे और अगर ये लेस देन इक्वल टू वन बाई टेन होगी तो फिर क्या होगा इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास पतला प्रेशर वेज़ल है अब हम बात करते हैं कि एक और लिहाज से भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि अगर प्रेशर वेज़ल्स के अंदर जो है अंदरूनी दबाव क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो प्रेशर वेजल है ये क्या करता है हाई प्रेशर फ्लूड को स्टोर करता है तो इसके अंदर एक दबाव जो है वो फ्लूड लगाएगा तो वही बोल रहा है कि प्रेशर वेज़ल के अंदरूनी दबाव और इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस की नस्बत अगर ली जाए और वो एक बड़ा छः से कम या बराबर हो तो हम ऐसे प्रेशर वेजल को पतला प्रेशर वेजल्स कहेंगे ठीक है तो पी को हमने तकसीम किया एफ़ से जो कि स्ट्रेस है और पी इधर दबाव है और अगर लेस देन इक्वल टू वन बाई सिक्स हुआ यानी छोटा भी है कम भी है एक बटा छः से किसकी नस्बत प्रेशर और स्ट्रेस की नस्बत बराबर और एक कम है एक बटा छः से तो हम उसको बोलेंगे कौन सा प्रेशर वेजल है पतला प्रेशर वेजल है अब हम बात करते हैं कि फिर थिक प्रेशर वेजल या मोटे प्रेशर वेजल की क्या तारीफ होगी बिल्कुल वही तारीफ है बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर प्रेशर वेजल की दीवार की मोटाई और इसके कुतर की नस्बत एक बटा दस से ज़्यादा हो तो उस प्रेशर वेजल को हम क्या कहते हैं कि मोटा प्रेशर वेसल है जैसे हम क्या करेंगे ये टी उसको डिवाइड किया डी पे और अगर जवाब ग्रेटर देन वन बाय टेन एक बटा दस से बड़ा आता है तो फिर हम क्या बोलेंगे ये हमारे पास मोटा प्रेशर वेसल है उसके बाद है प्रेशर वेसल को हम वैसे बात है जैसे हमने पतले प्रेशर वेसल को दो तरह से जो है उसकी तारीफ़ की इस तरह इसको भी हम दो तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि अगर प्रेशर वेसल के अंदरूनी दबाव और इसमें पैदा होने वाली स्ट्रेस की नस्बत एक बटा छः से ज़्यादा हो तो उस प्रेशर वेजल को हम क्या बोलेंगे मोटा प्रेशर वेजल तो अंदरूनी दबाव को हम पी से ज़ाहिर करेंगे डिवाइड कर देंगे एफ़ से जो कि स्ट्रेस है इन दोनों की नस्बत लेंगे और अगर वो एक बटा छः से क्या हो जाए ज़्यादा हो जाए तो हम उसको बोलेंगे ये हमारे पास मोटा प्रेशर वेजल्स हैं अब जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि पेमाइश के, के लिहाज से और सरों की बनावट के लिहाज से भी इकसाम होती हैं तो अब हम देखने लगे हैं कि सरो के बनावट के लिहाज से जो है वो कितने इकसाम हैं दो इकसाम हैं खुले सुरों वाले प्रेशर वेजल और बंद सिरों वाले प्रेशर वेजल तो अब बात करते हैं कि खुले सिरों वाले प्रेशर वेज़ल्स कौन से होते हैं अगर प्रेशर वेजल के सिरे खुले हों और मूवेबल मतलब उसका सिरो जो है एक मूवेबल यानी हरकत में हो तो क्या है इनको खुले सिरों वाले प्रेशर वेजल कहते हैं और इसकी मिसाल आपने ज़रूर देनी है कि इसमें पाइप हो जाते हैं बंदूक की नाली हो जाती है और प्रेस की जो पिस्टन सिलेंडर असम्बली है वो भी इसमें शामिल है उसके बाद है फिर बंद सिरों वाले प्रेशर वेजल कौन से होते हैं कि अगर प्रेशर वेजल के सिरे बंद हों बंद भी हों और फिक्स भी हों जैसे आप समझ लो कोई आप जार ले लो या आप कोई भी जैसे कोई बर्तन ले लें जो ढका हुआ हो और उसका जो दोनों जो दीवार हैं उसकी कोई भी दीवार जो वो मूव ना कर सकती हो ठीक तो फिक्स हों तो इनको बन सरों वाले प्रेशर कहते हैं बन सरों वाले प्रेशर वज़ल कहते हैं इसकी मिसाल हमारे पास ऑयल टैंकर जो हमने बहुत से देखे हैं ट्रक ट्रक वगैरह में ऑयल टैंकर ऑयल वगैरह पेट्रोल वगैरह लेके जा रहे होते हैं हाई प्रेशर में और गैस सिलेंडर हमारे जो घरों में एल पी जी सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल होते हैं वो भी हमारे पास बंद प्रेशर व्रेज़ल हैं और इसके अलावा बॉयलर जो कि स्टीम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वो भी हमारे पास एक बंद प्रेशर व्रज़ल है अच्छा अब हम क्या करते हैं अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास पतला प्रेशर वेजल है सॉरी इधर हमने मोटा लिखा हुआ इधर आएगा हमारे पास पतला प्रेशर वेजल्स ठीक है यानी कि ये थिन प्रेशर वेजल की बात कर रहा हूँ ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो इधर आपने लिखना है पतले प्रेशर वेजल में अंदरूनी दबाव जो कि आपका फ्लूड लगा रहा होता है उसके ज़ेर असर जब वो होता है तो हमारे पास पतले प्रेशर वेजल में दो तरह के स्ट्रेस पैदा होते हैं ठीक है जी तो पहला स्ट्रेस हमारे पास होता है मोहिती या होप स्ट्रेस और दूसरा हमारे पास होता है लॉन्गील या फिर तोलानी स्ट्रेस इंग्लिश में अगर हम कहें तो जो मुहिती या होप स्ट्रेस है उसको हम सरकमफ्रेंशल भी बोलते हैं और होप स्ट्रेस भी बोलते हैं और जो लॉन्गीटूडनल है उसको तो इंग्लिश में लॉन्गीटनल मैंने लिख दिया साथ ही और तोलानी मतलब लॉन्गीडनल ये अच्छा अब मोहिती स्ट्रेस की हम पहले तारीफ कर लेते हैं कि जब एक सिलेंड्रिकल शेल में अंदरूनी दबाव अमल करता है तो अंदरूनी दबाव क्यों पैदा हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो है हाई प्रेशर या दबाव के जेर असर हमारे पास फ्लोइड जो है वो स्टोर है इस वजह से वो दबाव लगा रहा है इसके ऊपर तो शेल के मुहित के मुमास तो शेल के मुहित के मुहित आपको पता है कि हमारे पास क्या होता है पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस होती है जो भी हमारे पास कोई भी अगर गोल दायरा है तो उसकी पूरी सरफेस जो है गुलाई अगर यहाँ से चलें इस पॉइंट से अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताऊँ तो अगर इस पॉइंट से आप चलें और दोबारा वापस आएँ तो ये पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना मैंने डिस्टेंस फासला कवर किया ये इसका मुहित है तो ये बोल रहे हैं इस मुहित के मुमासी खिंचाव की स्ट्रेस पैदा होगी कब पैदा होगी जब हमारे पास जो फ्लूड है जो प्रेशर लगाएगा किसके जो हमारे पास प्रेशर फैसल उसकी दीवारों पे। तो उसके ए, क्या होगा उसके जवाब में हमारे पास स्ट्रेस पैदा होगी मुजामतीवत है अकर रकबर पर लगने वाली तो होता क्या है कि ये हमारे पास हमेशा जब लगती है तो ये मुमास लगती है मुमास का क्या मतलब है कि जैसे इसको इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं कि ऐसी लाइन जो कि सर्कल से पास हो और वो एक पॉइंट से ही टच करे तो जैसे हम किसी भी पॉइंट पे हम इसका जो स्ट्रेस इस पैदा होगी मुहित के ऊपर तो वो हमेशा क्या रहेगी वो मास रहेगी उस पॉइंट पे ठीक है मतलब उस पूरे के पूरे दायरे के वो क्या रहेगी वो मास रहेगी अब हम तुलानी स्ट्रेस की बात करते हैं तो तुलानी स्ट्रेस के लिए ज़रूरी है कि जो हमारा प्रेशर वेजल है या सिलेंड्रिकल शेल है उसके किनारे बंद हों एंड वाले किनारे बंद हों जैसे मैं एग्जांपल दूं कि आपने अक्सर ट्रैक्टर वगैरह में ऑयल टैंकर देखे होंगे उनके किनारे क्या होते हैं बंद होते हैं तो जब एक बंद सिलेंड्रिकल शेल में अंदरूनी दबाव अमल करता है तो शेल के महवर के महवर के मुतवाज़िक खिंचाव के स्ट्रेस पैदा होती है जिसको क्या बोलते हैं तोलानी स्ट्रेस बोलते हैं अब इसको थोड़े से डायग्राम के ज़रिए हम देख लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट में इसका प्रूफ देखेंगे तो ये जो देखिए रेड कलर की स्ट्रेस पैदा हो रही है ये हमेशा देखें ये मुहित पे पैदा हो रही है इसके और हमेशा जो है ये ऊपर जा रही है मतलब क्या है कि ये इसके मुमास है तो क्या हो रहा है मुहित के मुमासी एक स्ट्रेस पैदा हो रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं मुहित स्ट्रेस बोल रहे हैं अब यहाँ हमारे पास लॉन्गेटनल स्ट्रेस है अब ये जो देखो सेंट्रल लाइन जारी है ये इसका महवर है ठीक है जी अब हम क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी स्ट्रेस जो महवर के मुतवाजी होगी लेकिन खिंचाव की स्ट्रेस होगी उसको हमने किसका नाम दे दिया तोलानी स्ट्रेस का तो ये जो रेड कलर में आपको शो हो रहे हैं ये सारे के सारे इस सेक्शन के ऊपर कब जब हमारे पास ये राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे जो है प्रेशर लग रहा होगा प्रेशर कौन सा जो ब्लैक साइड से मैंने ब्लैक एरो से बनाया हुआ है ये भी प्रेशर है और ये भी प्रेशर है इस प्रेशर जब होगा इसके जवाब में इसके मुजामत में हमारे पास स्ट्रेस पैदा होगी और वो स्ट्रेस मैंने रेड कलर से शो करवाई हुई है जो कि मुतवाजी है इस महवर के ठीक है तो मावर के मुतवाजी खिंचाव की स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं तोने इस्ट्रेस बोलते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका प्रूफ देखेंगे और साथ ये भी देखेंगे कि ट्रांसफ़र सेक्शन में कौन सी लगती है और लॉन्गीट सेक्शन में कौन सी लगती है तब तक के लिए खुदाफिस